हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी इच्छा, इसी कामना और इसी मंतव्य से मैं रोज़ अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज देखते हैं कि एंजल्स हमारे लिए क्या पहला एक कार्ड तो अपने आप ही आ गया, क्या लेकर आए हैं। चलिए तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड एंजल्स के ब्लेसिंग्स का, पहला कार्ड एंजल्स के ब्लेसिंग्स का आज माला आज पहला कार्ड एंजल्स के ब्लेसिंग्स का ये आ रहा है कि सब लोग रिमेन पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी अपने में ना लाएं। क्योंकि जहाँ हम थोड़ा नेगेटिव होने लगते हैं ना, जब हमें नेगेटिविटी घेरने लगती है तो उस समय क्या होता है, हमारी जो बुद्धि है वो कभी भी सही पाथ नहीं ले पाती है, सही डिसीजंस नहीं ले पाती है और नेगेटिविटी के प्रभाव में हम लोग अपने को हमेशा डामाडोल पाते हैं। हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कुछ भी कर रहे हों। और अगर हम पॉजिटिव हैं और सही बात पर चलते हैं, क्योंकि जो मन और बुद्धि है वो हमें भटकाते नहीं हैं। नेगेटिविटी का पहला पहचान वो बुद्धि को भटकाता है, मन को भटकाता है, कभी भी राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा अपने आप को सद्विचारों में रखें, सद्कर्म में रखें और सद विचार में बोली चुकी हूँ उसमें रखें तो सद्गति ही होगी। सद्विचार सद्कर्म से गति भी सद्गति ही होगी। तो पॉजिटिव रहने के बहुत से फायदे, आधे से अधिक तो बीमारियों से ही बचे रहते हैं। बीमारियां भी हमें बहुत जल्दी अपने ट्रैप में नहीं ले पाती हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, समय अगर थोड़ा कमजोर भी हो, मतलब समय अगर हमारे फेवर में ना भी हो, फेवरेबल ना भी हो, लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं तो बहुत सी चीजें अपने आप ही साइड बाय हो जाती हैं पॉजिटिव रहने से। अगर समय हमारी फेवर में नहीं भी हो, राइट टाइम ना भी हो, तो भी बहुत सी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली साइड बाय चली जाती हैं। क्योंकि अगला कार्ड कह रहा है नॉट द राइट टाइम, पहला कार्ड कह रहा है पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव, मतलब ये कि अगर समय आपका कमज़ोर भी चल रहा है या आने वाला समय कुछ परेशानी भरा भी है तो आपको उस कमज़ोर समय में, उस नॉट राइट टाइम में अपने हौसले को बनाए रखना है, अपने को गिराना नहीं है, घबराना नहीं है और पॉजिटिव रहते हुए आप सही बात भी ले पाएंगे, सही डिसीजन भी ले पाएंगे। वही बात, सद्गति होगी, सद्कर्म होगा, सद्वाणी होगा। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि कुछ ऐसा घटनाक्रम होगा जो बहुत फेवरेबल नहीं होगा, कुछ ऐसा घटनाक्रम होगा
जो बहुत फेवरेबल नहीं होगा मगर नुकसानदेह भी नहीं होगा। वो घटनाक्रम अगर फेवरेबल नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं देगा। हाँ, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, उसमें जरूर थोड़ा डिले कर सकते हैं। उसमें डिले कर सकता है लेकिन डिनाइल नहीं, डिले है डिनाइल नहीं है। उससे क्या होगा कि आप अपने जिस चीज को, जिस बात को लेकर के चल रहे हैं वो एज इट इज रहेगा, उसको कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो होगा ही नहीं, होगा लेकिन थोड़ा समय अधिक लेगा। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगर, अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपको कहीं हेल्प भी मांगनी पड़े, मदद भी मांगनी पड़े, सहायता लेनी पड़े, तो आप दूसरे लोगों से हेल्प भी लीजिए, मदद भी लीजिए और डाउन टू अर्थ रहें ताकि आपके ऊपर ये जो कमज़ोर समय है ये शांतिपूर्ण निकल जाए। आपका चाहे फैमिली लाइफ का कोई मैटर हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ का मैटर हो, चाहे सोशल लाइफ का कोई मैटर हो, वो मैटर ज़्यादा इससे अफेक्टेड ना हो। अगला कार्ड देखते हैं क्या आता है। फॉरगिवनेस, क्योंकि आज के रीडिंग का जो मेन बात है वो है रिमेन पॉजिटिव। जैसे हम जो खाना बनाते हैं तो उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, हर खाने का कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, तो आज की इस स्पेशल रीडिंग का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है रिमेन पॉजिटिव। तो फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है, पॉजिटिव रहिए और अपने आसपास जो भी घटनाक्रम हो उसको लेकर के ज़्यादा चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, अपने को सकारात्मक बनाए रखिए। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आसपास, मैंने कहा ना आसपास की बात कि अगर राइट समय नहीं है, राइट नॉट राइट टाइम के ऊपर आ रहा है ये कार्ड। अगर समय सही नहीं भी है मगर अपने आसपास होने वाले घटनाक्रम को अगर आप न्यूटली वॉच करेंगे तो उससे आपको एक मार्ग जरूर मिलेगा। एक अपने आसपास होने वाले घटनाक्रम से आपको कुछ ना कुछ शिक्षात्मक बात अवश्य समझ में आएगी और वो जो चीज़ अवश्य समझ में आएगी वही आगे आपकी सफलता का कारण बने भी। ये आप मान के चलिए कि अवश्यम भावी। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है, अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगर कुछ कामों में डिले भी हो रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स में या फैमिली के कुछ मैटर्स में डिले भी हो रहा है, तो वो जो डिले हो रहा है वो डिले आप अपने भरोसे से कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एफर्ट, आपके प्रयास अगर सही दिशा में होंगे तो आपका सब कुछ बड़ा ही फेवरेबल होगा। भले ही कुछ परिस्थितियां आपका साथ ना दे रही हों मगर फिर भी बहुत कुछ आपका साथ देगा। इसके बाद अगला कार्ड कह रहा है कि आप अपने आप को लोगों से मदद लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं। आप मदद लेने के लिए अपने को लोगों के सहयोग के लिए अपने को तैयार कर चुके हैं, और जो ये तैयार आप कर चुके हैं ना,
ये तैयारी ही आपके लिए एक बहुत बड़ा आने वाले समय में संबल बनेगा, आपका सहारा बनेगा, आपके काम को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, जो आप अपने आप को इसके लिए तैयार कर चुके हैं। तो आज की रीडिंग जितनी आपको रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को आप अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा दूसरा एक और यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरिओम नारायण।